वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्साई हंटर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉन्साई बिगिनर फ्रेंड्स से, एक ऐसी स्टाइल जिसे हम हैन-केंगाई सेमी कास्केड के नाम से जानते हैं। ये एक सेमी कास्केड सपाटा बॉन्साई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेमी कास्केड होती क्या है, सेमी कास्केड बनती कैसे है। सेमी कास्केड बॉन्साई नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण बनती है, पहाड़ों के ऊपर, रिवर बैंक्स के किनारे, पहाड़ों के ऊपर जब किसी प्रकार से कोई ऊपर से पत्थर गिरता है या लैंडस्लाइड होती है, तो जो प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज जो हैं, जो स्ट्रेट ट्रंक जा रहे होते हैं, वो इस तरीके से 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर गिर जाते हैं। इस केस के अंदर यहाँ पे ये जो ट्रंक था, इसका मेन ट्रंक ये टूट गया है और नीचे झुक गया है। दोस्तों, सेमी कास्केड बॉन्साई की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह यह है कि इसे हम पॉट की रिम के पैरेलल या उससे थोड़ा नीचे लेते हैं। कुछ लोगों की राय है कि यह थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, कुछ इसे नीचे पसंद करते हैं। मैं इसे पॉट की रिम से नीचे पसंद करता हूँ। इसके अंदर रूट्स का डेवलपमेंट देखिए दोस्तों। सेमी कास्केड बॉन्साई जब नेचुरल कैलामिटीज से बनती है तो उसकी जो रूट्स होती है वो कुछ इस तरीके से एक्सपोज हो जाती है। ये एक सपाटा की बॉन्साई है, चीकू की बॉन्साई है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे फ्रूट्स आ रहे हैं। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि फ्रूटिंग बॉन्साई कौन सी बनाई जाए, तो मैं आपको सपाटा की बॉन्साई सजेस्ट करूंगा कि आप सपाटा प्लांट लें, चीकू का प्लांट लें, चीकू की बॉन्साई बनाएं। हार्डी होता है, बनाने में भी इजी होता है। फ्रेंड्स, इस पॉट को हम क्रिसेंट पॉट के नाम से जाते हैं। ज़्यादातर जो पॉट्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन ये जो पॉट है ये सीमेंट का है, हैंडमेड है, और इसकी जो शेप है, इस तरह की जो शेप होती है उसे हम क्रिसेंट पॉट के नाम से जानते हैं। ये क्रिसेंट पॉट इस बॉन्साई के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि इसके अंदर जो इसका जो लुक है, इसकी जो ट्रंक लाइन है, वो इस पॉट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर रही है। इसके अंदर इस बॉन्साई का जो उभार है वो निखर के आया है, इसलिए हमने ये पॉट इसके अंदर यूज़ किया है। आइए दोस्तों, सेमी कास्केड स्टाइल को एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक माउंटेन है। माउंटेन के एजेस के ऊपर जो ट्रीज होते हैं, ये एक ट्री इस माउंटेन की एज के ऊपर है। ऊपर से कुछ लैंडस्लाइड हुई है, रॉक गिरे हैं। अब ये जो इस ट्री के ऊपर गिरे हैं, ट्री के ऊपर रॉक्स गिरने से इसका जो मूवमेंट है वह इस तरफ हो गया है। जो ट्री पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे इस एंगल में हो गया है। अब इसका जो डेवलपमेंट है वह इसी एंगल पे होगा। ये एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री और लगभग पैरेलल भी हो सकता है। तो इस तरीके से नेचुरल कैलामिटीज से हैन-केंगाई सेमी कास्केड बॉन्साई का डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। ये एक रिवर है, नदी के किनारे ये एक पेड़ खड़ा हुआ है। मिट्टी धंसने से इस पेड़ ने अपनी जगह छोड़ दी है और इसका जो मूवमेंट है वह यहाँ हो गया है। अब इसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया है। नदियों के किनारे अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं, जिनकी जड़ें बाहर आ जाती है और उनका जो मूवमेंट है नदी के अंदर हो जाता है। कुछ इस तरीके से जो पहले यहाँ था अब वो यहाँ हो गया, लगभग पैरेलल हो गया है। ये 45 डिग्री के एंगल पे भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो ये जो स्टाइल है, इस तरीके से नदियों के किनारे, पहाड़ों के ऊपर डेवलप होती है।